इसका सेफ्टी लॉक यहाँ पे सबसे अच्छा तरीका है और फायर के लिए रहेगा। तो हम सिंगल को रखेंगे, देखते हैं इसको पार करेगा नहीं, अगर पार करा तो उसकी क्वांटिटी बढ़ा देंगे। इसका एंट्री तो दोस्तों मेरे पास है डायना की 260 और ये रही डायना 350 पैंथर, मतलब देखते हैं दोनों में पावर अगर हम लगा दी जाए तो कौन सी ये राइफल की जीत होगी। शुरुआत करेंगे आपकी डायना 260 से, 0.177 कैलिबर की पैलेट्स और इसमें मैंने यहाँ पे लगाया फुल्ली लोड। तो पास से जरूर दिखाऊंगा मैं किस चीज को पैनेट करूंगा आज। ये वाला ऑयल का कहना सबसे शुरू में हम सिंगल को रखेंगे, देखते हैं इसको पार करेगा नहीं, अगर पार करा तो उसकी क्वांटिटी बढ़ा देंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे फायर करेंगे इसको रख के, सेफ्टी को आगे किया, फायर के लिए रेडी। रेंजर का पैटर्न आपको देखने को मिला, ये इसका एंट्री और ये एग्जिट होने ही वाला था, एग्जिट नहीं हो पाया, मतलब मैं नॉर्मल वाले पैलेट इसमें यूज कर रहा हूँ। कंफर्म के लिए मैं एक पैलेट को और फायर करूंगा। जो बाद का पैलेट है बाद में सेट करते हैं, बाकी H&N कंपनी के सिल्वर पॉइंट में चला रहा हूं, मतलब जो पैलेट है मैं आपको ये वाला पास से एक बार जरूर दिखाऊंगा, ये वाला पैलेट मैं इसमें यूज कर रहा हूं, मतलब अगर ये हॉर्नेट होता तो उसको चीर के निकल जाता। इसको करते हैं, यही वाला पैलेट हम चलाएंगे आपकी 350 पैंथर में। आप इसमें थोड़ा सा पावर का मुझे लगा है कुछ ऐसा ऐसा लग भी हो सकता है, करते हैं फायर। इतना डिस्टेंस काफी है हमारे लिए, सेफ्टी को आगे किया, इसका सेफ्टी लॉक यहाँ पे सबसे अच्छा तरीका है और फायर के लिए रेडी। थोड़ा सा इस पोजीशन पे चलाएंगे, भाई साहब मतलब किस चलती है ना, थोड़ा सा कंप्लीशन दिखा देती है अपने वाला एंट्री और ये एग्जिट नहीं हो पा रहा किसी कारण, पता नहीं शायद वो पैलेट में इतना दम नहीं है, पर शुरू का सूट इसका पार हो गया था पर अब तक पार नहीं हो पा रहा, वरना इसमें दूसरे में डेंट कर जाता, मतलब अगर उसमें ब्रास का H&N का चलाता था तो दोनों की मनका लगा देता है। पर ठीक है, बाकी ब्रास वाले पैलेट शॉप पे रह चुके हैं, अगर वो होते तो शायद दोनों की बैंड बजाता। आज की छोटे से ब्लॉग में बाकी इतना है दोस्तों, बाकी हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए टास्क के साथ, शायद अगले दिन एक वीडियो रिलीज करेंगे, और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।